चलिए नमस्ते भारत में अब आपको दिखा देते हैं दो मिनट में देश की खबरें। 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। पीएम नरेंद्र मोदी होंगे मौजूद। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद चंपत राय ने दी जानकारी। एक्स पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पोस्ट लिखा, मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास बोले, अब आने वाला है राम राज्य, समय से पूरा होगा राम मंदिर का निर्माण काम। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए बड़ा अभियान, आज से रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान की होगी शुरुआत। दोपहर 12 बजे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय करेंगे शुरुआत। सौम्या विश्वनाथन हत्या का मामला, 5 आरोपियों की सजा पर फैसला, सुना सकती है दिल्ली की साकेत कोर्ट। 15 साल पहले हुई थी गोली मारकर हत्या। गैंगस्टर केस में आज आएगा विधायक मुख्तार अंसारी पर फैसला, एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरी कर ली है सुनवाई। बिहार के बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा, दो समुदायों के बीच विवाद के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा, पुलिस ने 10 लोगों को अब तक हिरासत में लिया। गाजियाबाद के लोनी में इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग, आग लगने से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के केशव नगर की कबाड़ मार्केट में लगी भीषण आग, आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ओडिशा के भुवनेश्वर में दुर्गा पूजा में उमड़ा आस्था का हुजूम, करीब 5 लाख लोग जुटे, मां दुर्गा के जयकारों से भक्तिमय माहौल हुआ। लखनऊ पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम, एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत, 29 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा मुकाबला। लखनऊ में स्टेडियम पर भारत बनाम इंग्लैंड मैच पर अखिलेश यादव बोले, समाजवादियों का बनाया हुआ स्टेडियम लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात। दिल्ली में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को मिली विश्व कप की सबसे बड़ी जीत, नीदरलैंड्स को 309 रन से चटाई धूल, वार्नर और मैक्सवेल ने जड़ा शतक। विश्व कप में आज इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होगा मैच, दोपहर 2 बजे बेंगलुरु स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। विश्व कप में इंग्लैंड की अब तक की परफॉर्मेंस निराशाजनक। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।